अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी शाही टुकड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से शाही टुकड़े बनाने के लिए मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पर। इसके अंदर मैं 1 लीटर दूध ऐड करूँगी। यहाँ मैं फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर रही हूँ। दूध में बॉयल आने तक इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखें, दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून पिसी हुई छोटी इलायची ऐड करूँगी। मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून चीनी ऐड करूँगी। मीठा आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़े से पिस्ते बादाम ऐड करूँगी। अब मैं इसके अंदर 1 कप मैंने ये खोया लिया है, इसको ऐड करूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको। और इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे हल्की आंच पे, ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। दूध को पकते हुए 5 मिनट हो गए, ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 ड्रॉप ये येलो फूड कलर है, इसको ऐड करूँगी। बस हल्का सा ऐड करेंगे हम, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाए। अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप वो ऐड कर दीजिए। और इसको 5 मिनट और पकाएंगे। जब तक दूध पक के तैयार होता है, हम स्लाइसेस की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ मैंने 5 ब्रेड के स्लाइस लिए, इनकी कटिंग कर लूँगी। देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ट्राइंगल शेप में इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसके अंदर मैं 1/2 कप घी ऐड करूंगी। घी में फ्राई करेंगे हम। घी गरम हो गया, मैं इसके अंदर स्लाइस को फ्राई करूंगी। अच्छा सा गोल्डन कलर देना है मैंने। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो हम साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए, हमें ऐसा गोल्डन कलर चाहिए। दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, मैं इनको निकाल लेती हूँ। बाकी सारे भी मैं फ्राई करके रख लेती हूँ। ये देखिए, मैंने सारे जो स्लाइस हैं वो फ्राई करके रख लिए। और यहाँ दूध भी पक के गाढ़ा हो गया। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर हम इस राइस की सेटिंग कर देंगे।
देखिए मैंने सारे स्लाइस इस बाउल में सेट कर दिए। स्लाइस हमारे बहुत क्रिस्पी बने हैं। अब हमने जो दूध तैयार करके रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। बादाम पिस्ते गार्निश के लिए इसपे डालेंगे। बहुत ही मजेदार से शाही टुकड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको ठंडा करके खाइए, बहुत ही मजेदार लगते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।